बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं जी हुनैन किंजा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिज़ा अली का बोटॉक्स ट्रीटमेंट, सिर्फ 4 आइटम्स के साथ। बहुत ही आसान मेथड है इसका, आपका फेस फॉरएवर यंग हो जाएगा इसको यूज़ करने से। वीडियो आपने पूरी देखनी, क्योंकि पहले भी एक लड़की ने ऐसे ही आधी सी रेमेडी देखी और फेस पे अप्लाई कर लिया इसको, उसको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े थे, लाइक स्मेल एंड स्किन टाइटनिंग ईटीसी। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे नए आने वाले सॉल्यूशंस, रेमेडीज़ एंड टिप्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए जी, चलते हैं रेमेडी की तरफ। आपने करना क्या है, एक छोटा सा बाउल ले लें, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर डालें, अंडे की जर्दी डालें, एग योक जो है वो पूरी डाल देनी है आपने। उसको बहुत ही अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून दही डाल के और उसको भी अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। ठीक है, और लास्ट पे आपने क्या करना है, उसमें 1/2 लेमन का जो है वो जूस निचोड़ देना है। अब जो मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ उसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसी चीज़ की बेस पे आएगा। वो चीज़ क्या है, इसको अप्लाई करने का मेथड है, टाइम है एंड फेस पोस्चर है। अब इस पेस्ट को ब्रश के साथ चाहे फिंगर के साथ किसी भी तरह अपने फेस पे अप्लाई करें, और अपने फेस को और नेक को बिल्कुल आपने सीधा रखना है, फेस एंड नेक दोनों पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो रिंकल्स हैं वो आपके नेक पे भी बहुत जल्दी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अपने नेक एंड फेस दोनों पे इसको अप्लाई करना है। अब आपने बैठना है सीधा, जिस तरह हम अक्सर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं अपने सर को झुका के बैठ जाते हैं, इस तरह से आपने नहीं बैठना, वरना आपके नेक पे एक लाइन पड़ जाएगी। ठीक है, आपने अपनी स्किन को रिंकल फ्री रखना है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप बोले ना कोई और काम कर लें और अपनी को जो है वो थोड़ा स्ट्रेट ही रखें। अच्छा जी, लगाने के कुछ देर बाद आपका फेस ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, उसी पेस्ट की एक दफ़ा और आपने कोटिंग कर लेनी है। इसी तरह अगर फिर से हो रहा है तो आपने उसी पेस्ट की कोटिंग दोबारा कर लेनी है। करनी कैसे है, आपने जो ब्रश को है वो चिन से ऊपर की तरफ चलाना है, ताकि आपके फेस के ऊपर एक लिफ्टिंग इफेक्ट आए। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, वो जो सीमेंट की तरह स्किन अकड़ जाती है, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगा के होती थी, उस तरह नहीं होने देना, आपने इसको वेट ही रखना है। इसलिए बार बार आपने कोटिंग जो है वो इसकी करते रहनी है। आपने इसको लगाना कितनी देर है, आपने इसको 20 से 25 मिनट तक अपने फेस पर लाजमी लगाना है, और उसके बाद आपने फ्रेश वाटर के साथ इसको जो है वो स्मूथली वॉश कर लेना है। इसको यूज़ कितने देर के लिए करना है, आपने इसको आपने वीक में कम से कम 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। फिज़ा अली जो है वो 1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हैं, और आप स्किन उनकी देख सकते हैं किस कदर फ्रेश एंड यंग है। ठीक है, अगर आप इसी तरह का इफेक्ट अपने फेस पे देखना चाहते हैं तो इसको अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बना लीजिए। अब जैसा कि आपने इसको वीक में 3 दफ़ा यूज़ करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप ढेर सारा राइस फ्लोर एक बॉक्स में अपने लिए स्टोर करके रख लें, एग्स मंगवा के रख लें, आपकी रूटीन ख़राब ना हो लेमन मंगवा के रखें, ताकि आप वीक में 3 दफ़ा आसानी से इसको अपने फेस पे अप्लाई करें और फॉरएवर यंग रहें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में आके तो लाजमी बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सॉल्यूशन के साथ, नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।